हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 10th ऑफ सितंबर और आज हम यहां पर देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके गाइस, यहाँ पर हम लोग बहुत ही जल्द आप सभी के लिए जितने भी टीईटी छत्तीसगढ़ टीईटी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी टीचर वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर बहुत ही जल्द डिफरेंट टाइप के सेशंस आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन मिले आपको कि क्या चीज़ें चल रही हैं हमारे चैनल पर। साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान रखेंगे गाइस, तेजस आईएएस एकेडमी भिलाई सेंटर पे ऑफलाइन बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं सभी एग्जाम के, यानी कि सिविल सर्विसेज के साथ साथ आपका वन डे एग्जाम इंटीग्रेटेड कोर्सेज का आपका क्लासेस स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप लोग में से किसी को भी क्लासेस करनी हो, लाइक एसएससी का, एफसीआई का, जिसका असिस्टेंट का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है, एसबीआई क्लर्क का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है, इन सभी चीज़ों के लिए अगर आप क्लास सर्च कर रहे हैं तो तेजस आईएएस एकेडमी आपको बेस्ट ऑप्शन प्रोवाइड करा सकता है। क्लियर रहेगा? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। सबसे पहले हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जहां पे आपसे पूछा गया है कि किक बॉक्सिंग इवेंट में, ध्यान दीजिएगा, किक बॉक्सिंग इवेंट में किस खिलाड़ी को, बस्तर के किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है। तो ध्यान रखिएगा, किक बॉक्सिंग इवेंट में सबसे कम उम्र में ये उपलब्धि हासिल करने वाली, कम उम्र में ये उपलब्धि हासिल करने वाली बनी है ज्योति नाग। ध्यान रखिएगा, ज्योति नाग ने हाल ही में किक बॉक्सिंग इवेंट में, जो कि बस्तर की रहने वाली है, गोल्ड मेडल जीता है। क्लियर रहेगा? गोल्ड मेडल जीता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या बनेगा आपका? ज्योति नाग। क्लियर रहेगा? और ज्योति नाग को यहां पर बीईओ यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के द्वारा, सम्मानित भी किया गया है। किसके लिए? इस आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस और मेडल के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच पथ का नाम क्या रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, आप सभी को पता होगा कि हाल ही में इंडिया गेट के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, और राजपथ जो कि राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट के बीच में है, राजपथ का नामकरण बदल करके अगर हम बात करें तो कर्तव्य पथ कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, क्या किया गया है? कर्तव्य पथ कर दिया गया है। साथ ही साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी का प्रतिमा स्थापित किया गया है, अगर आप लोग इंडिया गेट देखे होंगे तो वहां पर एक छत्र बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये ऐसा छत्र बना हुआ है, देखेंगे आप, ऐसा एक छत्र बना हुआ है। तो इसी छत्र के नीचे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की गई है। ठीक है, इसी छत्र के नीचे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की गई है। क्लियर रहेगा? तो गाइस, यहां पे करेक्ट ऑप्शन बनता है आपका बी। आगे क्वेश्चन है, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद यूनाइटेड किंगडम का सम्राट किसे बनाया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां पर चीज है महारानी एलिजाबेथ के बारे में, तो ध्यान रखिएगा, इनकी उम्र थी 94 ईयर्स, और अभी तक के वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें, पूरे विश्व हिस्ट्री में अगर आप देखिएगा तो सबसे हाईएस्ट टाइम पीरियड की महारानी बनकर के, कोई सम्राट बनकर के, रूरल अगर हम बात करें, कोई शासक यहां पर रहा है तो वह है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। क्लियर रहेगा? ब्रिटेन की महारानी है, यूनाइटेड किंगडम की महारानी है। तो इनका निधन हो गया है आपका 8th ऑफ सितंबर को। ध्यान रखिएगा, 8th ऑफ सितंबर को इनका निधन हो गया है, और इनके निधन के बाद यूनाइटेड किंगडम का सम्राट बनाया गया है प्रिंस चार्ल्स को। ध्यान रखेंगे आप, प्रिंस चार्ल्स को यूनाइटेड किंगडम का सम्राट बनाया गया है, जिनकी उम्र अभी यहां पर 73 ईयर्स है। ध्यान रखेंगे, प्रिंस चार्ल्स का 73 ईयर्स एज है, और इनकी वाइफ जो है कैमिला, वो बन गई हैं आपकी क्वीन कॉन्सर्ट। ध्यान रखिएगा, क्वीन कॉन्सर्ट बन गई हैं कैमिला, क्वीन कॉन्सर्ट। क्लियर रहेगा? तो गाइस, साथ ही साथ एक चीज आप यहां पर याद रखेंगे कि यहां पर अगर आप देखिएगा तो स्कॉटलैंड में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की डेथ हुई है, मृत्यु हुई है, निधन हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर आपका बनता है सी, प्रिंस चार्ल्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की शुरुआत कब से की गई। तो आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में 8th ऑफ सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया, और इसी दिन, साक्षरता दिवस के दिन ही मुख्यमंत्री के द्वारा ये घोषणा की गई कि छत्तीसगढ़ में न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत विधिक साक्षरता, याद रखेंगे आप, विधिक साक्षरता, उसके बाद चुनावी साक्षरता, उसके बाद बुनियादी शिक्षा, इन सभी को मजबूत करने के लिए, बुनियादी शिक्षा और डिजिटल
डिजिटल साक्षरता, इन सभी को मजबूत करने के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की शुरुआत की जाएगी। क्लियर रहेगा गाइस, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की शुरुआत की जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पर आपका, 8th of September। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ के कितने जिलों का शुभारंभ 9 सितंबर को किया गया? तो गाइस ध्यान रखेंगे, 9 सितंबर को दो जिलों की शुरुआत की गई, जिसमें पहला जिला है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर और दूसरा जिला है शक्ति, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा जिला है शक्ति, ठीक है। 31, 32, 32 एंड 33 डिस्ट्रिक्ट, ध्यान रखिएगा, 32वां और 33वें क्रम का जिला बना है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर एंड शक्ति। इसके अलावा आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि छत्तीसगढ़ राजपत्र में कुल 31 जिलों का जिक्र किया जा चुका है, 31 जिलों का जिक्र किया जा चुका है। तो अब आपको ऑफिशियली कहीं पर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप यहां पे अगर सपोज पीएससी में क्वेश्चन पूछता है, व्यापम में क्वेश्चन पूछता है, तो आप यहां पर डायरेक्ट बात करेंगे 31 जिलों की, ठीक है। लेकिन जैसे ही यहां पे मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर और शक्ति की बात आ जाती है राजपत्र में, तब आप टोटल डिस्ट्रिक्ट कंसिडर करेंगे 33। क्लियर रहेगा गाइस, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा यहां पर, ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, अक्षय कुमार अभिनीत किस फिल्म की शूटिंग, ध्यान रखिएगा, किस फिल्म की शूटिंग छत्तीसगढ़ में की जाएगी, ठीक है। तो गाइस ध्यान रखिएगा, अक्षय कुमार अभिनीत जो फिल्म है यह है आपका सोराराई पोट्रू की रिमेक, सोराराई पोट्रू, ध्यान रखिएगा। यहां पर आप थोड़ा सा करेक्ट करेंगे कि अक्षय कुमार अभिनीत किस फिल्म के रिमेक की शूटिंग, किस फिल्म के रिमेक, याद रखिएगा, फिल्म के रिमेक की शूटिंग, रिमेक की शूटिंग छत्तीसगढ़ में की जाएगी। तो सोराराई पोट्रू, ध्यान रखेंगे आप, सोराराई पोट्रू जो कि साउथ इंडियन एक्टर सूर्या के मूवी है, और इस मूवी का रिमेक बनाया जा रहा है अक्षय कुमार के द्वारा, और अक्षय कुमार इसकी शूटिंग करेंगे छत्तीसगढ़ में। कब करेंगे, 2 अक्टूबर को ये छत्तीसगढ़ आएंगे, लेकिन उससे पहले सितंबर में इनकी पूरी टीम यहां पर ऑब्जर्वेशन के लिए आएगी, ध्यान रखिएगा, सितंबर में पूरी टीम ऑब्जर्वेशन के लिए आएगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा आपका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा भारत के कितने शहरों को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है? तो गाइस ध्यान रखिएगा, यूनेस्को द्वारा भारत के 3 शहरों को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा, 3 सिटीज को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है, जिसमें से पहला है वारंगल, उसके बाद है आपका त्रिशूर, ठीक है, त्रिशूर, और आपका यहां पर अगर हम दूसरे सिटी के बारे में बात करें तो यह है आपका नेक्स्ट नीलांबर, ठीक है। ये तीन सिटीज को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज के लिस्ट में शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा। क्लियर रहेगा, तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर होगा आपका डी। यूनेस्को क्या है, तो यूनेस्को स्टैंड करता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन कल्चरल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्लियर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, हॉकी विश्व कप 2023 पुरुष वर्ग, ध्यान से देखिएगा, हॉकी विश्व कप 2023 पुरुष वर्ग की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो आपको ध्यान रखना है कि इंडिया में 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप का ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और साथ ही साथ अगर हम पुरुष वर्ग की बात करें तो पुरुष वर्ग जो है उड़ीसा राज्य के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। उड़ीसा में भुवनेश्वर में कलिंग स्टेडियम, भुवनेश्वर का कलिंग स्टेडियम, और राउरकेला का बिरसा मुंडा स्टेडियम, ध्यान रखेंगे आप, बिरसा मुंडा स्टेडियम, इन दो जगहों पर पुरुष वर्ग का हॉकी जो कप है, विश्व कप है, इसका ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और यहीं पे ये दोनों खेल होंगे, कहां पे, उड़ीसा में। क्लियर रहेगा, तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका यहां पर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, विद्युत उपभोक्ता स्थिति में, ध्यान से देखिएगा, विद्युत उपभोक्ता स्थिति के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कुल उपभोक्ताओं की संख्या कितनी हो गई है? तो गाइस विद्युत उपभोक्ताओं के कंज्यूमर्स के बारे में बात कर रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर में अगर आप देखेंगे तो यहां पर छत्तीसगढ़ के
जो नवीनतम आंकड़े हैं उसके अनुसार टोटल 59.03 लाख हो गए हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में एक चीज और याद रखिएगा कि ऊर्जा विभाग के द्वारा अभी दो कंपनियों का मर्जर कर दिया गया है। पहले कितनी कंपनियां थी, तो अगर ऊर्जा विभाग की देखिएगा तो पहला था जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बाद था आपका ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन के बाद था आपका होल्डिंग, होल्डिंग जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन होल्डिंग एंड ट्रेडिंग, ठीक है, इतने आपके पांच कंपनियां थी। तो ट्रेडिंग और होल्डिंग का डिस्ट्रीब्यूशन में और ट्रांसमिशन में क्या कर दिया गया है, विलय कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। अब टोटल कितनी कंपनियां बच गई है, तीन। तो छत्तीसगढ़ स्टेट अगर हम बात करते हैं पावर डेवलपमेंट, छत्तीसगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में अगर आप देखिएगा तो यहां पे सिर्फ तीन कंपनियां अभी बची हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या, तो ध्यान रखेंगे आप 59.03 लाख, करेक्ट ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन है, किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का अंतरराष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। गाइस ध्यान रखिएगा, किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का अंतरराष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले यहां पर पश्चिम बंगाल की तरफ आप टिक करेंगे। क्यों पश्चिम बंगाल, तो ध्यान रखिएगा यहां पे हाल ही में दुर्गा पूजा, पिछले साल दुर्गा पूजा को अमूर्त विरासत स्थल में किसको शामिल किया गया था, दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल में शामिल किया गया था यूनेस्को के द्वारा। और इस साल अगर हम बात करें तो संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का पुरस्कार वेस्ट बंगाल को दिया गया है। तो वेस्ट बंगाल की सीएम कौन है, ममता बनर्जी। राज्यपाल कौन थे, जगदीप धनखड़, जिनको फिर से हम अगर देखें तो उनको उपराष्ट्रपति बना दिया गया है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, बी। तो गाइस ये था आज का सेशन, अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट धर्मा पे। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री टीवी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ, प्रधानमंत्री टीवी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा की जाएगी, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके गाइस, चलिए मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द नेक्स्ट सेशन में। बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और गाइज सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफलाइन क्लासेस के बारे में कि हमारे यहाँ भिलाई सेंटर पे ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।